नमस्कार दोस्तों, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के द्वारा एग्जाम के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, जिसमें रेगुलर, प्राइवेट, एटी के टी पूरा किन सभी छात्रों को दोस्तों, जिसमें आप लोग को प्रश्न पत्र कैसे मिलेगा, प्रवेश पत्र की जानकारी, उत्तर पुस्तिका आपको कैसे और किस प्रकार से मिलेगा, और लिख करके आपको कैसे और किस प्रकार से जमा करना है सरगुजा विश्वविद्यालय में दोस्तों, और उत्तर लिखने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, आपका सभी जो मन में एक सवाल है एग्जाम को लेकर, वो इस वीडियो के माध्यम से सभी दूर हो जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को आपके सभी मित्रों से करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोरोना संक्रमण के कारण जो है एसजीयू ने केंद्र की बजाय दोस्तों छात्रों को घर से परीक्षा देने को दिया मौका। अब आप लोग दोस्तों जो सरगुजा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी छात्र घर में ही परीक्षा देंगे, घर पर ही आपको उत्तर पुस्तिका भी मिलेगा दोस्तों, और आपको घर पर ही दोस्तों आपको लिख करके जमा करना है। तो आपको उत्तर पुस्तिका किस प्रकार से और कैसे मिलेगा सबके बारे में दोस्तों, SGDU में 50,877 पर परीक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रश्न पत्र देगी, घरों से ही देंगे वार्षिक परीक्षा। यह दोस्तों जिसमें स्नातक, नियमित, अंतिम वर्ष और प्राइवेट तीनों वर्ष सहित दो अन्य कक्षाओं की होनी है परीक्षा। विद्यार्थी को हर विषय की परीक्षा के बाद ऑनलाइन देना होगा एक घोषणा पत्र। चलिए दोस्तों देखते हैं वह किस प्रकार से घोषणा पत्र रहने वाला है। कोरोना संक्रमण के कारण दोस्तों संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा केंद्र की बजाय जो है घर पर ही देंगे। आपको घर से ही आप लोग को दोस्तों उत्तर लिखना है, आपको घर पर ही आप लोग को यानी कि एग्ज़ाम देना है, और दोस्तों परीक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों की एक समस्या दूर हो जाता है कि आपका लोग का प्रश्न पत्र कैसे आएगा, तो आप लोगों का प्रश्न पत्र जो है ऑनलाइन आएंगे ईमेल, व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों। इसे डाउनलोड कर 3 घंटे के बाद आपको जवाब देना होगा। तो दोस्तों आप लोग का जो है टाइम रहेगा एग्ज़ाम का वो 3 घंटे का रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों परीक्षा केंद्र के आईडी के अलावा दोस्तों इसमें आपको 2 घंटे पहले प्रश्न पत्र लोड किए जाएंगे, जिसमें परीक्षार्थी अपने आईडी पासवर्ड जो आपको एग्ज़ाम भरने के टाइम आईडी पासवर्ड दिया जाता है, उसी आईडी पासवर्ड में आप लोग का प्रश्न पत्र डाउनलोड कर उत्तर पुस्तिका में जवाब लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको उत्तर पुस्तिका में आपको जवाब लिखेंगे, जिसमें प्रश्न पत्र के का जवाब आपको 3 घंटे का समय रहेगा। पारदर्शिता के लिए समय खत्म होने के पश्चात परीक्षार्थियों को एक घोषणा पत्र यूनिवर्सिटी को भेजना होगा दोस्तों, यानी कि आप लोग को यह घोषणा पत्र भेजना होगा कि मैंने 3 घंटे में मैंने अपने आंसर लिख लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको घोषणा पत्र भेजना है। इसमें दोस्तों यह बताना होगा कि उसने कितने और किन प्रश्नों का जवाब भी लिखा है। आपको अपना जवाब में लिखना है कि आप कितने प्रश्नों को हल किए हैं और कितने कितने जब आपको हल किए हैं उसको जो है लिखना। उसी प्रकार उत्तर पुस्तिका से घोषणा पत्र का मिलान भी किया जाएगा। तो उत्तर पुस्तिका से घोषणा पत्र का मिलान जो आप घोषणा पत्र देंगे लिख कर कि मैं इतना प्रश्न को हल किया हूँ, उसी घोषणा पत्र के अनुसार जो आपको उत्तर पुस्तिका का मिलान किया जाएगा तथा छात्र इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया है। इसके बारे में दोस्तों उसने घोषणा पत्र में लिख कर भेजा है। इसी प्रकार दोस्तों अब आता है आप लोग का एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट दोस्तों 22 सितंबर से शुरू हो जाएगी संभवतः दोस्तों। आज आप लोग का जो है टाइम टेबल जारी कर सकता है यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 22 सितंबर से आप लोग का टाइम एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, और संभवतः दोस्तों विश्वविद्यालय आज सोमवार को जो टाइम टेबल जारी कर सकता है, जारी कर देगा, यानी कि दोस्तों जारी कर देगा। तो इस प्रकार दोस्तों अंतिम वर्ष और अगले पर अंतिम वर्ष और प्राइवेट के सभी वर्षों की होगी परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, अब किन किन का एग्ज़ाम होना है, इसमें आप अंतिम वर्ष हैं और प्राइवेट के छात्र हैं, जैसे कि दोस्तों प्राइवेट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, और दोस्तों MA MSc जो भी आप कर रहे हैं प्राइवेट में, उन सभी का एग्ज़ाम होगा, और अंतिम वर्ष रेगुलर का एग्ज़ाम होगा। इसी प्रकार दोस्तों UGC में नियमित अंतिम वर्ष और प्राइवेट के सभी विद्यार्थी के अलावा PG और डिप्लोमा अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा होगी। इसी प्रकार से दोस्तों यूनिवर्सिटी के अनुसार दोस्तों परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 50,877 यूनिवर्सिटी में होगी। इन परीक्षार्थियों का परीक्षा कोरोना के कारण शासन द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष तथा PG संकाय के अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर सभी छात्रों को परीक्षा कराने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही प्राइवेट के छात्र के रूप में पढ़ाई करने वाले सभी छात्रों की परीक्षा होनी है। इस तरह यूनिवर्सिटी में दोस्तों जो है छात्र इस बार परीक्षा देंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों यूनिवर्सिटी में इन परीक्षार्थियों को देना होगा। इस प्रकार से दोस्तों अब आता है आपको किस प्रकार से सीलबंद में डाक के जमा करनी होगी उत्तर पुस्तिका। आप लोग अपना उत्तर पुस्तिका किस प्रकार से कैसे लिख करके
जमा करना है। यहाँ पर दोस्तों सील बंद लिफाफे में डाक से जमा करनी है उत्तर पुस्तिका, यानी कि दोस्तों आप लोग के घर पर प्रश्न पेपर मिलेगा उत्तर पुस्तिका खुद से बनाकर आपको दोस्तों ये फोर साइज ब्लैंक वाइट पेपर में उसको लिख के एक बंद लिफाफे में दोस्तों जिस तरह से आपको अपना आंसर जो है एक लिफाफे में भर के यूनिवर्सिटी प्रबंधन के अनुसार परीक्षार्थियों का हर विषय की परीक्षा के बाद, जैसे कि दोस्तों एक एग्ज़ाम होता है एक सब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका के एक छोटे लिफाफे में बंद करना होगा। जब अंतिम वर्ष की परीक्षा हो जाएगी तो सभी विषय की उत्तर पुस्तिका को बड़े लिफाफे में बंद करके परीक्षार्थियों को पोस्ट ऑफिस से परीक्षा केंद्र में उत्तर पुस्तिका भेजनी होगी। यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों सभी एग्ज़ाम हो जाने के पश्चात, अंतिम वर्ष के सभी एग्ज़ाम हो जाने के पश्चात बंद लिफाफे में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से परीक्षा केंद्र में उत्तर पुस्तिका भेजनी होगी। इसके बाद पश्चात दोस्तों केंद्र ने से उत्तर पुस्तिका जो है यूनिवर्सिटी भेजी जाएगी। उत्तर पुस्तिका के लिफाफे पर जो छात्रों को यूनिवर्सिटी द्वारा बताई गई जानकारी जो है लिखना होगा दोस्तों, कि आप लोगों को ये लिखना होगा कि जो यूनिवर्सिटी आपको जानकारी देगा एग्ज़ाम से संबंधित, तो उसको वहाँ पर आपको लिखना होगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर यह बात क्लियर हो जाता है कि आप लोगों को किस प्रकार से और जो है कैसे जमा करना है। और दोस्तों आप लोगों का एक समस्या दूर होता है कि जब अंतिम वर्ष की परीक्षा हो जाएगी तो सभी विषय की उत्तर पुस्तिकाओं को बड़े लिफाफे में बंद करके परीक्षार्थियों को पोस्ट ऑफिस से केंद्र में भेजनी होगी, जैसे आप लोगों का परीक्षा केंद्र जहाँ है वहाँ आपको भेजना है। उसके पश्चात दोस्तों इसके बाद यूनिवर्सिटी उसी उत्तर पुस्तिका को जो है, यानी कि दोस्तों केंद्र यूनिवर्सिटी उसी उत्तर पुस्तिका को भेजेगा। इसी प्रकार से दोस्तों अब आता है केंद्र अध्यक्षों से बैठक कर यूनिवर्सिटी ने यह निर्णय लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए वार्षिक परीक्षा के आयोजन को लेकर यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने पिछले दिनों केंद्र अध्यक्षों की बैठक ली। केंद्र में परीक्षा के आयोजन से संक्रमण का खतरा देखते हुए सभी परीक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रश्न पत्र जो है भेजा जाने पर सहमति हो गई है। प्रदेश के दूसरे यूनिवर्सिटी ने भी ऐसी प्रक्रिया की। इसके बाद दोस्तों अंतिम वर्ष अंतिम समय पर दोस्तों यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने यहाँ ऑनलाइन प्रश्न भेजकर परीक्षा कराने का जो है निर्णय लिया है। तो इस प्रकार से जो है वीडियो है, इस वीडियो का आपको सभी तक शेयर करें। जैसे तो टाइम टेबल का डिटेल आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का आपको सभी तक शेयर जरूर करें।